हमने खाना वगैरह खाया है तो हमें साइड पे हमने वेस्ट नहीं डालना है, उस सब को हमने एक जगह इकट्ठा करके तो रख के जाना है। देखा जब अपने अपने पे बात जल्दी आराम करते हैं भाई, चलो प्यार पकड़वा रहा है। मान सर, तारिक सर और आसिफ सर हमें गाइड कर रहे हैं कि आपको ज़ुमरा किस तरह करना है, आपको क्या क्या चीज़ रेड करनी है, और साथ में फ्री सर अभी शुरुआत कर रहे हैं, देखते चलो आगे आगे क्या होता है। वैसे अभी हमने रिवर के साथ में एक अच्छी जगह ढूंढ के यहाँ पे अभी हम खाना वगैरह खा रहे हैं, ये देख रहे हो अभी हम जो है चिकन खा रहे हैं, बिरयानी वगैरह बाद में खाएंगे। व्यू चेक करो, बहुत ही अच्छा व्यू है। हम थोड़ा नड़िया से ऊपर आए साइड में, यहाँ पे देखो ट्रैकिंग का कितना ज़बरदस्त व्यू है, ये ऊपर देखो गाइस। फुल व्लॉगिंग भी हमने स्टार्ट की हुई है आजकल, ये चटनी आ गई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह देख रहे हो के लिए रखना। गाइस ये अब खाना हो रहा है हमारे, खाना हो रहा है भाई, ये खाना कैसे हो रहा है, ये देखो व्यू चेक करो कितना प्यारी जगह आके यहाँ पे चिकन वगैरह। अभी हम सोच रहे थे मैगी बनाने का, अभी देखते हैं टाइम मिला तो बनाएंगे। गाइस चेक करो स्पाइसी स्पाइसी, आ हा हा मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। इधर देखो ना, आ कोल्ड ड्रिंक ड्यू, अभी बिरयानी भी खानी है क्या? बिल्कुल गाइस, अभी खानी हमने बिरयानी, बिरयानी पहले खा ले आराम से फिर करना बात। हेलो हेलो गाय, क्या कर रहे हो? वाइज चेक करो देखो क्या स्पाइसी स्पाइसी फूड है, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी, और साथ में ये रिवर्स का व्यू, क्या मज़ा आ रहा है गाइज। चेक करो गाइज, जब भी पूंछ आओ यहाँ पे हमेशा आना, ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे। अभी इतना लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर इनको पता लग जाए कश्मीर क्या करेगी, कश्मीर से भी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। हमने खाना वगैरह खाया है तो हमें साइड पे हमने वेस्ट नहीं डालना है, उस सब को हमने एक जगह इकट्ठा करके तो रख के जाना है। गुफराज गुफराज इसी को दे दे इसी को देखा जब अपने अपने पे बात आती है तब चले जाता है। उठा ये ले, वीडियो बना, दे दे दे। लेने यार, सिर्फ लेक्चर देने से थोड़ी बात होती है, बंदा खुद अमल ना करे फिर। बिल्कुल हम करते हैं अमल, तो ये डाल दो ना, दूसरों को मार्टिन करते हैं ना। आप ये डोक से आए हैं, कश्मीर सोनमर्ग पहलगाम डोडा, ये सभी लोग कश्मीर से आए हैं, ये ऊपर देख सकते हो डोक डोक यहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग हैं यहाँ पे ट्रैवल करके, इनके साथ दिन में कोई नहीं रहता, ये दिन भर खा पी के पूरा पेट भर के आराम से जाके सो जाते हैं, इनको इसीलिए ये ट्रैवल करते हैं ताकि जो इनका सीज़न हो वो आराम से इजीली मतलब वो कर सकें, क्योंकि जो सिटी वगैरह लाइफ विलेज एरिया होते हैं वहाँ पे इतना वो नहीं होता कि इतने टाइम लगातार उनको खाना मिल सके, इसलिए ये यहाँ पर ट्रैवल्स करके आते हैं। और साथ में अब देखो व्यू कितना ज़बरदस्त है, हमने जो खाना खाया था वही जगह पे खाया था बिल्कुल रिवर के साथ में, तो अभी हमने जो जो हमारा थीम था अभी का खाने का वही थे यही था कि अगर हम किसी भी पिकनिक वाली जगह जाएंगे तो हमें उस जगह रिसाइकिल करना है। जरूरी है।
हमने कुछ देर फोटोशूट वगैरह किया, अभी हम थोड़ा और पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे एक जो व्यू एक है झरने का, वहाँ पे हम जाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट आपको बताते हैं क्या करना है। अभी हम थोड़ा और ट्रैवल कर रहे हैं, जो डॉग की तरफ रास्ता जा रहा है ना उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो ये जो व्लॉग होगा ये पार्ट्स में होगा, ये शायद थर्ड या फोर्थ पार्ट्स का व्लॉग अभी चल रहा है, तो पूरे पार्ट्स देखना। ये मैं एक एक दिन करके एक एक पार्ट्स अपलोड कर दूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग व्यू है। ये देखो पीछे जंगल में, चेक कर रहे हो पीछे, हमने अभी वो पीछे टॉप पे जाना है। ये चेक करो गाइस, ट्राइबल लोग कैसे जंगल में से जो वुमेन्स हैं उनको ये लकड़ियाँ काट के लानी पड़ती हैं और ख़ुद उठा के और यहाँ तक के कट करके उसको सुखाना, सब काम इनको खुद करना पड़ता है। बहुत स्ट्रगल की लाइफ इनको गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ढोक में तो CNG वगैरह नहीं होता। तो देखो ट्राइबल्स की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। मंडी है, इसको मिनी कश्मीर बोला जा सकता है, क्योंकि देखो सामने पार बर्फ़ भी है। अभी अब डॉग के रास्ते थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहे हैं। पार देखो कितना अच्छा झील का व्यू है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। लेकिन इतना बात है, यहाँ पे आना थोड़ी डिफ़िकल्टी है, लेकिन अगर बंदे के पास अपनी गाड़ी हो तो ईज़िली पहुँच सकता है। हम आजकल दिन लंबे हैं तो ठीक है, बहुत टाइम मिला, मज़े से हमने यहाँ पे सब कुछ किया। अभी फ़ोटोशूट चल रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू है, देखो यहाँ से टॉप पे। गाइस ये पार्ट थर्ड का व्लॉग यहीं तक होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम ट्राइबल लोगों से आपको मिलाएंगे, वो वाला व्यू भी बहुत अच्छा होगा, वो भी जानवर भी आता है जी, तो बाकी बारिश भी आ जाती है जी। और ये बेड वगैरह अगर बारिश ज्यादा आ जाए तो मर जाए, कुछ जो छोटे बच्चे ये मर भी जाते हैं। आपको यहाँ से फायदा क्या मिलता है? आप फायदा क्या है, ये मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ नहीं मिलता मतलब। इसको अगर एक ही को आप बेचोगे तो महीने का तो खर्चा निकलेगा। ये लोगों का मतलब आपको यहाँ पे मजबूरी क्या पड़ती है।